मेरा जो 2 साल का प्रयास कर रहा था, 2 साल से प्रयास कर रहा था, अब जाके मुझे सफलता मिला था, लेकिन फिर से मुझे असफलता की राह पे चलने को देखने को मिल रहा है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सर्वेश और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। और दोस्तों, मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आया है, और स्ट्राइक किस कारण से आया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि जो जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं वो ऐसा गलती ना करें अपने यूट्यूब लाइफ में। मेरा जो चैनल था, आप सब सभी जानते हैं कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आया है। स्ट्राइक इस कारण से आया है क्योंकि मैंने किसी अदर पर्सन का जो वीडियो था यूज़ कर लिया है अपने चैनल में उसके विदाउट परमिशन से। और गाइस, उस वीडियो के कारण से जो मेरा जो व्यूज था लगभग 2-3 लाख करीब पहुँचने वाला था, और मुझे डर इस बात का है कि जो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है, और उस वीडियो के कारण से मेरा जो चैनल कहीं डीमोनेटाइज ना हो जाए। और आप लोग अगर कोई मेरा वीडियो अगर टेक्निकल भाई देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मुझे ये नहीं पता है कि जिस वीडियो के कारण से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, वो वीडियो अगर डिलीट हो जाए तो क्या जो मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा। और गाइस, मुझे जो स्ट्राइक मिला है, और स्ट्राइक मुझे किस कारण से मिला है मुझे पता है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में स्ट्राइक नहीं मिला था। अब जो मैंने 2-3 से 4 महीने बीतने वाले हैं तब जाके मुझे स्ट्राइक मिला है उस पर, और अभी सिर्फ थंबनेल यूज़ किए हैं, थंबनेल चेंज किए हैं तब स्ट्राइक मिला है, उससे पहले मुझे स्ट्राइक नहीं मिला था। तो गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि अभी चाहता हूँ गाइस, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर मेरा चैनल जो है अगर वॉच टाइम की वजह से अगर डीमोनेटाइज हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल करा दीजिए, ताकि जो है मेरा जो चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाए और मेरा जो 2 साल का प्रयास जो है सफल रहे। क्योंकि मेरा जो 2 साल का प्रयास कर रहा था, 2 साल से प्रयास कर रहा था, अब जाके मुझे सफलता मिला था, लेकिन फिर से मुझे असफलता की राह पे चलने को देखने को मिल रहा है। और हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो है चैनल का हुआ जो इसका भी इस वीडियो से जो वॉच टाइम होगा वो कंप्लीट हो जाए। इसी वीडियो में मेरा वॉच टाइम जो है 4000 घंटा कंप्लीट हो जाए। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा दोस्तों। लाइफ में, अपने यूट्यूब लाइफ में ऐसा आप लोग अभी गलती मत कीजिएगा, किसी अदर पर्सन का वीडियो बिना परमिशन से यूज़ कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ सुरेश कुमार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।